महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्री मद भागवत कथा श्री राम कथा भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। राम जी का विवाह हो गया। हम नहीं कहते ये बात, विश्वामित्र जी ने कही कि टूटत ही धनु भैयाऊ उसके बाद राजा दशरथ जी एक बारात भी लेकर के आए। एक लाइन केवल बताएंगे कि अवध नगरिया से, हाँ अवध नगरिया से चल ली बरतिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे मंडप में पहुंच गई। राजा जनक जी ने चरण पखारे और विवाह मंडप में गांठ जोड़ी जाती है तो शतानंद जी महाराज राम जी के छोर को खोज रहे थे गांठ बांधने के लिए। वशिष्ठ जी ने पूछा महाराज क्या खोज रहे हैं? का राम के पीतांबर का छोर, का राम के राम का छोर आज तक किसी को मिला है जो आप उसका छोर खोजने के लिए चले? शतानंद जी ने कहा कि किसी को मिला नहीं मिला इसकी मेरे पास गारंटी नहीं, पर मुझे मिलेगा मैं दावे से कह सकता हूं। बोले कैसे? कहा मैंने पहले जानकी जी के आंचल को पकड़ लिया है और जिसने माता जानकी के आंचल को पहले पकड़ लिया वो राम के भी छोर को पा जाएगा। तो जोरी गई गांठ पट पीत चुनरी के साथ और जो हती ही
जो हे मन जड़ते जड़ावरी, और बेदन की शाखे पढ़ माखे मुनिलों की रीति, एते में विचित्र एक बनती बनावरी। भावरे पढ़ रही थी और मंडप में एक घटना घट गई, क्योंकि राम जी ने अभी पुष्प वाटिका में ही जानकी जी को देखा था। आज किशोरी जी 16 श्रृंगार करके आई है, राम जी मंडप में आगे चल रहे हैं, सीता जी पीछे हैं। राम जी ने सोचा जरा अब देखें ये कैसी लग रही है। पहले कैसी लग रही थी, का सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिका जनु बरई। जरा अब देख तो जोरी गई गांठ, पट पीते चुनरी के साथ, और जो हती ही जो है मन जड़ती जड़ावरी। और जब क्या हुआ कि बेदन की शाखे पढ़ माखे मुनि लोक रीति, और एते में विचित्र एक बनती बनावरी। इतने में एक घटना घटी, राम जी आगे बढ़े, जरा मुड़ करके देखना चाहा जानकी जी को, तो क्या हुआ, कहा बिंदु कवि आनन सिया को देख दूल्हा जुहू, और ठाऊं ही खड़े रहे न आगे बढ़न पावरी। ठाऊं ही खड़े रहे न एक। अब राम जी ने जो ही जानकी जी को देखा तो मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी के रूप और समाधरी की छटा का अवलोकन करके राम जी स्तंभित हो गए, वहीं पर खड़े के खड़े रह गए, चलना ही भूल गए। अब आप जरा सोचो कि भावने पड़ रही हैं, दूल्हा आगे चल रहा है, दुल्हन पीछे चल रही है, और दूल्हा चलना बंद कर दे तो दुल्हन क्या करे। तो सीता जी ने क्या किया, जब राम जी वहीं चले रहे खड़े रहे तो कहा भूल गई कलश खम्भ मंडप श्री जान की जू, और सांवरे शरीर की ही देन लागी भावरी, चारों धोले हार देते भवरिया, चारों धोले हार देते भवरिया। संग सोहे दुल्हनी नागरिया, और संग सोहे दुल्हनी नागरिया, चारों धोले हार देते भवरिया, चारों धोले हार देते भवरिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का वीडियो चल रहा है, फोटो उतार रहे हैं, कैसा लग रहा है, का राम जी का हाथ है, कैसे कलर का, नीलमणि, और उस नीलमणि में नीचे से झुक करके उन्हें सिंदूर भर लिया है ऐसे। अब उनका हाथ सांप की तरह लग रहा है, तुलसीदास जी लिखते
कि ये हाथ है और जो उंगलियां हैं वो कमल हैं, मानो कि सर्प अपने कमल पंखुड़ी में पराग का चंद्रमा को घूस दे रहा है। मनहु लोभ शशि भूष अमीके, मानो कि वो अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा को घूस। इस तरह कितना सुंदर छवि, राम जी का मुख कमल, जानकी जी का मुख कमल चंद्रमा है और वो डोले छवियां खंभों में जगमगा रही। खंभों से प्रकट हुई श्री सीताराम जी की प्रतिछाई देखकर के ऐसा प्रतीत होता है मानो कि अनेकानेक कामदेव और रति खंभों में छुप करके राम जी का विवाह देखने के लिए आए। मनहु मदन रति धर बहु रूपा और देखत राम विवाह अनुपा। दर्श लालसा सकुच न थोरी, दर्शनों की बड़ी लालसा है लेकिन डर लग रहा है। किसी ने कहा संकोच है तो डर क्या, आ जाओ आप भी बैठ जाओ हम लोगों के साथ में, सारे देवता आए हैं। तो कामदेव ने कहा वो शंकर जी भी आए हुए हैं ना, कहीं फिर जला करके खाक ना कर दें, इसलिए हम यहीं से ठीक हैं। इसलिए दर्श लालसा सकुच न थोरी, बड़ा सुंदर विवाह संपन्न होता है। और विवाह के बाद में आप जानते हैं कि भंडारा होता है, पंगत, पंगत में गाली होती। गाली में भी एक घटना घट गई। सब लोग बैठे, राजा दशरथ जी भी बैठे, मूछों पर ताव दे रहे थे, सारे लोग बैठे हुए थे। और किसी ने कहा कि ये लोग हंस क्यों रहे, कहा अब आपके बाप को जो कभी आपने नहीं सुना होगा वो सुनने को मिलेगा। बोले क्या मिलेगा सुनने को, बोले गाली। कहा मेरे रहते हुए मेरे बाप को कोई गाली दे दे, इसकी हिम्मत किसकी है तुम। कहा अब देख लो जो कुछ होने जा रहा है तुम्हारे सामने। और गाली में माताएं जो ना सुना दे वो थोड़ा है। समधी की ऐसी मूछ जैसे कुत्ता की, अब कुछ भी कह देते कुत्ता की पूछ। अब महाराज राम जी बैठे, सब लोग बैठे और सामने के ऊपर के छज्जा पर माताएं बैठ गई और ढोलक खनकी। अब ये गाली देंगी। राम जी ने कहा मेरे रहते हुए कोई मेरे पिता को गाली नहीं दे सकता। कहा क्या करोगे, उनको कैसे रोकोगे। बोले अभी मैं बताता हूं मेरा जादू देखो। तो आज की बात सुनो सजनी, मंडवे में भयो एक कौतुक भारी, और जैवत जाने बरात समय अवधे से लख्यो मिथिले से अटारी।
अवधेशमणि राम जी ने जो सखियां गाने जा रही थी उनकी ओर मुस्कुरा करके देख दिया और क्या हुआ कि राम को रूपी अनूपी बिलोके के भूल गई सब गावनियारी और भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिले सिंगारी देने लगी मिथिले सिंगारी। इसलिए बड़ी सुंदर सुंदर गाली का वर्णन क्या हम सीधे आपको अयोध्या कांड में ले जाने के मूड में है, नहीं तो आज की कथा पूरी इसमें व्यतीत हो जाती। मत मनिहा मन में बुरा हमारे सुने मत मनिहा मन में बुरा हमारे सुने भाती है रघुनंदन गारी है ससुरारी की सौगाते हैं रघुनंदन गारी है ससुरारी की सौगाते हैं गारी है रारी की सौ गाते हो रघुनंदन गारी है तो रारी की सौ गाते हैं रघुनंदन। और इस प्रकार से उन सखियों ने फिर उनको गाली सुनाई और कहते कि सच बता बात बताएं रघुनंदन जी, जनकपुर की आपके ऊपर बड़ी कृपा हो, आपके माई बाप ने तो आपको किसी लायक नहीं समझा था, बाबा जी के साथ में कमंडल पकड़ा के भेज दिया था कि जाओ बाबा जी के साथ, ये तो भला कहो कि जनकपुर में आपकी शादी हो गई क्योंकि सभी को निमंत्रण लेकिन आपके लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। ना हम तो ही के ढोल पठाओली ना को लिखली पतियां बिन पनही के पैदल आइलन मुनि के बनल संगतियां बिन पनही के पैदल आइलन मुनि के बनल संगतियां लखे अनूप लल जाई चल चल तू भ्रांत की मतियां हरदम यदि गुरु जी दे अनुमतियां मन सोचत के ही विधि चुने जनकपुर नाति हो रघुनंदन सब गालियां उन्होंने सुनाई। और भोजन में क्या परोसा गया कहा सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादे पुनीत क्षण महु सब कहूं पर सुगे चतुर सुवारे विनीत।